अमृतसर के EMC हॉस्पिटल में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब देवसागर नाम के एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मौके पर देवसागर नाम के मरीज के परिजनों ने EMC हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर आरोप लगाया है कि उनकी लापरवाही से उनके पिता की मौत हो गई है। वहीं इस मौके पर पारिवारिक मेंबरों ने डॉक्टरों की लापरवाही बरतने के भी आरोप लगाए हैं। इस मौके पर परिवार के सदस्य ने कहा कि हमें CCTV फुटेज दिखाई जाए। यहां उनके इस मौके पर जब डॉक्टर पंकज सोनी से बात की तो उन्होंने मानवता को शर्मसार करने वाला बड़ा बयान दिया है कि अगर उनके पास 150 बेड का हॉस्पिटल है तो मरीज का मरना भी जरूरी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो भी हमने इलाज किया है बेहतर किया है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता था। वह इस मौके पर पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन करने के बाद मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे और मौके का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनको कंट्रोल रूम पर एक कॉल आया था जिसको लेकर वह मौके पर पहुंचे हैं और यहां पर आकर देखा तो देवसागर नाम के युवक की मौत हुई है, जिसको लेकर परिवार वालों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इलाज में कोताही बरती है, जिसको लेकर उन्होंने परिवार से शिकायत किया और जांच कर रहे। वे इस मौके पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम है, मेरे पापा है देवसागर, उन्होंने नाम है, उन्होंने 11 बजे आप मिले हैं, 11 बजे से भी मिले हैं, वो कहते आप बिल्कुल ठीक हाँ। जो उन्होंने हार्ट दिल की प्रॉब्लम हुई ना, उन्होंने प्रॉब्लम हुई 4 बजे, अं डॉक्टर ने फोन करते, डॉक्टर ने हमारा फोन अटेंड नहीं किया, बिल्कुल नहीं अटेंड किया। इन्होंने खुद डॉक्टर ने फोन किया, उन्हें भी नहीं फोन किया। मैं कोठी से खुद जाके होड़े खड़का रहा, बूहे खड़का रहा, इन्होंने नहीं मेरी सुनवाई की। ठीक है जी, असी बाहरों डॉक्टर बुलाया, वो डॉक्टर आया कहता भाजी इन्हे डैथ हो गई है। अज इतने मैनू फोन गया सी अपना, मैं हॉस्पिटल EMC आया, तो उत्थे पता लगा भी देवसागर करीब 2-3 दिन तो इतने दाखिल सी, अज उन्होंने सुबह मौत हो गई है, तो मौत हो गई है। उसे वरंत आए हैं जोड़े घर वाल इल्जाम है भी सानू जी फुटेज दिखाई जाए जी ट्रीटमेंट हुई है, पर हूँ तक डॉक्टर साहब ने कोई भी मतलब फुटेज नहीं दिखाई गई उन्होंने, तो यह जो बयान लिख के कारबंदी कार्रवाई अमल से लिया जा रही है। लीवर एबसेस ठीक है, बहुत बड़ा लीवर अपसैस से पेशेंट काफ़ी सिक से सैप्टिक शॉक से, सो उन्होंने पेशेंट आइनोट्रॉप के उत्ते, आइनोट्रॉप्स होंगे जो ब्लड प्रेशर वधाने वाली दवाइया दती जाए पेशेंट न, सो वो पेशेंट नूं असी पिकटेल कैथेटर पाई, पिकटेल कैथेटर पाने तो बाद अराउंड 400-500 ml पस फ्रैंक पस निकली, वो पेशेंट सैप्टिक शॉक चला गया एंड अल्टीमेटली वेंट इन टू कार्डिक अरेस्ट। सो ये हूँ डॉक्टर्स की कर सकते, डॉक्टर्स ने तो जो ट्रीटमेंट स्टिपुलेटेड है वो किया, सो असी यह तो नहीं कर सकते ना कि सारे मरीज जो बचने होने तो फिर डॉक्टर की लोड़ ही नहीं है, फिर तो अमर है सारे पेशेंट। बेटा जिदा मरीज मरता है ना उन्हें ग्रीवियंस होंगी है, जे मेरा भी मरेगा ना मैनू भी लगेगा कि मैं इस तो बैटर हो सकता सी, एक नॉर्मल नोशन है साढ़े सारे की कि जोड़ा भी मरीज मरता आप सोचते हैं नहीं जी इस तो बैटर हो सकता सी। राती सवेरे 9 बजे तो लैके राती 9 बजे तक मैं मरीज के नाल हाँ, उन्होंने भी पता मैं मरीज के नाल हाँ, होर हाउ कैन ए डॉक्टर बी प्रेजेंट 24 आवर्स, इज इट पॉसीबल, ह्यूमनली पॉसीबल नहीं है। हर वेले एक लैवल की फैसिलिटी किसी भी हॉस्पिटल च नहीं मिल सकती। पांच डॉक्टर से बेटा रात में, देर वर 5 डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल, देखो पेशेंट को देखने तो एक ही डॉक्टर रहेगा ना, पूरे हॉस्पिटल च है साढ़े को 150 पेशेंट है, 50 बेड का ICU है, पेशेंट बचते भी ने, पेशेंट इन्ने वेंटीलेटर तो ऑफ भी ने, सो जो साढ़े को 50 बेड का ICU है तो पेशेंट्स की मोर्टैलिटी भी होनी है, लोगों ने मरना भी है। सो यह मतलब नहीं है कि हर वेले वी ऑलवेज कीप ऑन एक्सप्लेनिंग द पब्लिक कि भाई असी गलत नहीं किया हाथ जोड़ के, इतने मतलब दिस इज लाइक ब्लैकमेलिंग डॉक्टर्स ऑलवेज। अमृतसर से सनी सहोता और हनी मेहरा, GVA पंजाब TV।